कोरोना वायरस के महामारी एगो रोग वायरस है बायोलॉजिकल बात भले लेकिन अ के कारण जो लोग सबके घर बैठे पड़ल है दुनिया में आधा से बेसी जनसंख्या भी घर बैठल है वैसे बेसी तो लोग सब जो घर बैठे तो अर्थतंत्र तो पूरा ब्रेक लग जाते तो जरा घर भाड़ा तिरे के है चाहे मोर्टगेज कहे इसे तिरे के है चाहे बैंक के लोन के मासिक किस्त तिरे के है विभिन्न किसी बिल सब अभी तक जो फोन बिल तिरे के है ना सैलरी तिरे के है तो लोग घर बैठते हैं तो जॉब खत्म होते तो सैलरी खत्म होते तो सैलरी न रहते तो रेंट कत से तिरते भाड़ा कत से तिरते तो जो रोग जो वायरस तो ऊ तो एगो टॉपिक भेली जैसे बायोलॉजी बुझू लेकिन जो आर्थिक चुनौती आ गेल छै ऊ तो इकोनॉमिक बात भेलै है ना तो ई नया चीज भेलै जेना वायरस नया भेलै तो ये एहन ठीक है रिसेशन डिप्रेशन लेवल के जे आई 1930s में जे डिप्रेशन रहै तो ओहि लेवल के बेरोजगारी अभी चलल तुरंत कुछ हफ्ता में तो लेकिन तहिया है ना महामारी के कारण आयल रहे और सन 2008 में जो भेल रहे तो फाइनेंशियल है ना कारण जो लहरो तांदा पहरो भत्कियो वाला बात भगल रहे एगो लीमन ब्रदर्स बैंक के फेल होबे दलक तो पूरा इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स भ गए तो फाइनेंशियल बात रहे फाइनेंशियल जो बैंक सब है ना वापस पैर पर खड़ा भगल तब धीरे रिकवर हो पड़ी तो अभी तो से बात नहीं ना से अभी डिमांड सप्लाई के बात है ना क्लासिक सेंस में नहीं है तो 1930s वाला उदाहरण चाहे 2008-2009 वाला उदाहरण अभी की अवस्था में काम नहीं करते न तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो मलेरिया के दवाई कहे खो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ना तो रोग कथी या उपचार कथी तो अभी के जो आर्थिक मंदी आयल है वही के अहाँ 2008-2009 वाला जो दवाई देवे तो वैसे ना काम चलते आ दवाई दे रहा है ना अहाँ कतनों जो है बिलियंस ट्रिलियंस जो पंप करबे अर्थतंत्र में चाहे कानून बनाबे के दुकान खोले पड़तो आ ग्राहक जेबे ना करते दुकान में तो खोले पड़तो से की मतलब है ना तो ई तो जब तक रोग के टैकल न कैल जते तब तक आर्थिक सुस्ती तो रहबे करते आर्थिक सुस्ती नहीं तो आर्थिक पैरालाइसिस भेले सीधे फ्रीज भ गेल है ना तो अ के विभिन्न देश के विभिन्न किस्म से अब जेना लॉकडाउन भेले तो लॉकडाउन करनाई है ना रोग के हिसाब से वो सबसे अच्छा उपाय भेले लेकिन लॉकडाउन अहाँ 3-4 हफ्ता करबे तो 3-4 हफ्ता के मतलब आप जो है 3-4 हफ्ता लॉकडाउन के बाद महामारी खत्म भ गेल से तो नहीं ना हो लॉकडाउन के सिर्फ मतलब ई भेल है कि है ना एकाएक बड़का क्राइसिस हलो तो अब कुछ तैयारी करे के लिए समय चाहिए तो तैयारी करे के लिए सिर्फ समय मिले से है महामारी जहीं के तहीं है रोग जहीं के तहीं है वायरस जहीं के तहीं नहीं और बिकराल भ गेल कतनो लॉकडाउन करे छै तो वायरस के इन्फेक्शन होते रहे है ना वायरस जो है पसरते रहे तो लॉकडाउन के मतलब अगर लॉकडाउन कैलिए या कुछ न कैलिए तो वेस्ट ऑफ टाइम तो कठिन समस्या छै है ना अब जे लोग सब पावर में छै विभिन्न देश में ओकरा क्रिटिसाइज करनाई आसान बात छै लेकिन जै देश सब में महामारी से पहले आइ से एक साल पहले भी जे पॉलिटिकल सिस्टम जे सत्ताधारी लोग सब डिलीवर नहीं करै छलिए इवन इन गुड टाइम्स तो अभी के क्राइसिस में जे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत साधन वाला देश एक से एक दिग्गज वैज्ञानिक वाला देश सब है ना अब जना अमेरिके है पैसा छापि रहा है अंधाधुंध ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एकदम
लिमिटलेस सप्लाई ऑफ मनी कहि रहल कि पैसा जे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जे फेड कहै छै फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक एहि देश के केंद्रीय बैंक तऽ ओ कहि रहल कि वी हैव लिमिटलेस सप्लाई ऑफ मनी तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी के इे भेल उ आखिर लोने ला रहा है कतनो कम इंटरेस्ट है जीरो इंटरेस्ट पर है तो लोने भेल यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द नेक्स्ट जेनरेशन फ्रॉम द फ्यूचर जेनरेशंस जे भावी पीढ़ी है ओकरा से अहाँ बगैर पूछले पैसा सपट ला रहा छी से भेल अमेरिका में भी जादूगर जे है से पर्वा सीधे अथी कर दै छै से तो नहीं कि आप आउट ऑफ थिन एयर पुलिंग रैबिट आउट ऑफ थिन एयर से तो नहीं भ रहा है ना उ जो है से पैसा आखिर लोने भेल भावी पीढ़ी से फ्यूचर जेनरेशन से पैसा सपट ला रही बगैर पूछले अहाँ जो बैंक में जाए पूछे कि हाँ हमारा लोन देवे कि ना देवे चाहे तो साथी भाई से सपट ली से पूछे किनका सपट दे लेकिन अमेरिका जो है से और बहुत देश अपना भावी पीढ़ी सब सबसे बगैर पूछले पैसा सपट ला रहा अभी किनका मिनका ना बहुते तो कतनो जे स्टिमुलस बिल सब लबे है ना लेकिन लोग सब घर से निकलबे नहीं करते चाहे निकल के अवस्थे में रहते है तो अर्थतंत्र चाहिए कि तहीं फ्रीज रहते हैं तो नया थिंकिंग चाहिए अब जेना पोलर बियर सब जे उत्तरी ध्रुव के जे सफेद भालू होइ छै पोलर बियर तो उ सब जाड़ा मौसम में हाइबरनेट कर लेलक ताकि सुति रह महीनों महीना सुतल हबे तो सुतल रहल कोनो शरीर के हलचल न भेल तो ओकर एनर्जी जे बहुत कम खपत भेल तो जे शरीर के जे बोसो रहै छै वही से काम चल गेल तो बाद में फेनु जरा खत्म भेल तो निकलल शिकार तिकार कैलक खैलक पीलक तो फेनु जे है से दौड़धूप कैलक एनीवे हमरा तो सेम मेटाफोर दिमाग में आबि रहल हबे कि अभी जब तक अइ रोग के है ना कोनो और वैक्सीन से है ना वैक्सीन अति तभी नॉर्मल होते से जरूरी नहीं है बहुत देश ई देखा दिले है कि वैक्सीन नहीं आबे तो अहाँ है ना बहुत कुछ एहन कर सकै छी कि अर्थतंत्र के पुनः रीओपन कर सकै छी तो ओहि के लेल जे है से व्यापक टेस्टिंग है ना अहाँ के पते नहीं चलते कत लोग बीमार है कते वायरस आक्रमण कर चुकल है तो कथी करबे है ना तो व्यापक टेस्टिंग क्वारंटीन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सब नॉन बायोलॉजिकली नो इट्स बेसिकली अबाउट गेटिंग ऑर्गेनाइज अहाँ व्यवस्थित छी कि नहीं छी है ना तो अगर व्यवस्थित छी तो देर सो मच दैट कैन बी डन टू री ओपन द इकोनॉमी लेकिन वही के लिए व्यवस्थित होए पड़ते है ना तो ई आर्थिक चुनौती जे छै तो आई के आप हाइबरनेट करे के शायद ऑप्शन नहीं छै अहाँ ब्रेक कत लगबे है ना कब ठीक है अभी तीन महीना जे से केकरो लोन न तिरे पड़ते बैंक के केकरो रूम भाड़ा न तिरे पड़ते घर भाड़ा न तिरे पड़ते मोर्गेज न तिरे पड़ते है ना जरा खाए पिए में अगर संकट होवे तो सरकार तरफ से घर घर खाद्य सामग्री पुगा दल जाते तो एना करके हाइबरनेट के रास्ता से शायद लिस्ट डैमेजिंग रास्ता शायद से है लेकिन यथार्थ में वो तो भले है ना एकदम मैक्सिमम कोऑपरेशन के रास्ता कि हाँ महामारी के दौरान और सब चीज़ भूल जो सिर्फ महामारी पर फोकस कर पुराना जही झगड़ा भूल जो बाद में फिर झगड़ा करब तो महामारी खत्म करते तो फिर झगड़ा करब जना होइ छलै हँ बहुत पहले जना महाभारत के युद्ध सब में कथी रहल भरि दिन लड़ाई कैलक आ सूर्यास्त भेल तो पॉज है सब आराम करे चल गेल तो काल्हि भेल फेनु सूर्योदय के बाद फेनु लड़ाई शुरू ओते मतलब नियम पालन कर लै छलै आजकल तऽ नहि करै छी आजकल तऽ दिन राति न मानै छै तऽ मैक्सिमम कोऑपरेशन के रास्ता छै एगो लेकिन जहाँ मैक्सिमम कोऑपरेशन के खाँचो छै वहाँ और उल्टे बात भऽ रहल छै जेना नेपाले में देखियौ अभी कोन लिम्फुआ धारा काला पानी के सब जे कहै छै हमरा तऽ मालूम एहि साल से पहले हमरा एहि साल से पहले ओ जगह सबके नामे नाम कहियो सुनले रहली है ना आ हम अभी अध्ययन भी नहि करे चाहै छी इ लफड़ा में हम फंसी न चाहे कैला बेमौसम के बाजा भेली न जब ही अहाँ के महामारी पर फोकस करे के रहा तो जे सड़क 12 साल से कहे बने छल तो अभी न्यू खोजे के कौन जरूरी है चाहे भारत जैसे कही दिल्कि जवाब में कि हाँ ये महामारी जे शांत भ जेतै
तो परराष्ट्र सचिव के स्तर पर वार्ता कैल जाए तो सही रास्ता मिले कथी कर युद्ध करे जाबे भारत जे जे सड़क बनाल के युद्ध करे जाबे से तो रास्ता नहीं ना ठीक थी तो सही रास्ता बतल ठीक है महामारी शांत बहुत आई तब एक दो साल के बाद तब परराष्ट्र सचिव के स्तर पर वार्ता कैल जाए हमारा तो बहुत अच्छा उपाय लगा तो दुनू कोई अपन अपन जे अपना तरफ के दुनू तरफ से दस्तावेज से पेश करती है कि क्लेम छ कि काउंटर क्लेम छ पब्लिकली है ना करती है तो सब लोग देखती है हम सब देखती कि है कि वास्तव में केकर क्लेम सही है। तो अभी जो है से महामारी के फोकस छोड़ के आई कौन लिम्फुआ धारा कथ के समय बर्बाद करना है ना डिस्ट्रैक्शन महा डिस्ट्रैक्शन तो जहाँ कोऑपरेशन के खाँचो है वहाँ ये सब अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन सब खड़ा कर दिले तो एगो बात है ना रोक के बायोलॉजिकल बात भेलै ओके बाद आर्थिक राजनीतिक बात भेलै है ना लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमरा यहाँ रहल है सबसे महत्वपूर्ण बात ये महामारी के दौरान जो उभर रहल है वो भेलै आध्यात्मिक बात धरती पर जो लोग है ना कोनो भी इंसान जो पैदा होइ छै उ मरबे करै छै मृत्यु अब असंभाविक है लोग है ना अमर खेला ना रहे सब पैदा भेली या सब दिन के लिए जिंदे धरती पर तो अला है कि धरती धरती है धरती स्वर्ग न है धरती पैराडाइस न है ना स्वर्ग में लोग न मरी छे लेकिन धरती पर अला मरी छे लोग है ना यू आर ऑलवेज रिमाइंडेड कि है तू मरबे करबे तो अई महामारी के समय में वो ज्ञान कि हाँ मृत्यु अवश्यम्भावी है क्यों कभी मर सके जे बात महामारी से पहले भी सच रहा केव कभी मरते से पहले मालूम रहे थे एकाएक मर गया तो लेकिन महामारी के दौरान वो ज्ञान जो है से और एकदम इन द फेस अधिकांश आदमी के जो है से वो कॉन्शियसनेस स्टेडिंग इन द फेस तो वही से की भाई है ना जब मृत्यु के आदमी फेस करे कि हाँ केव कभी मर सके है ना हमू कभी मर सके वही किसी के ज्ञान जो भेल आदमी ओहि बारे में सोच चिंतन मनन कैलक तो मृत्यु पश्चात के लाइफ है ना आफ्टर लाइफ जो कहे वही पर आदमी फोकस वही पर चिंतन मनन करे लागल ईश्वर के बारे में सोचलक तो आफ्टर लाइफ के बारे में ईश्वर के बारे में सोचलक तो है ना कौन किस्म के जीवन व्यतीत करक चाहिए ताहि के बारे चिंतन मनन कैलक तो है ना अमे बायोलॉजिकल अथवा पॉलिटिकल इकोनॉमिक बात से भी स्पिरिचुअल बात हमरा बुझाइए सबसे प्रमुख बात आ वो बात हर समय प्रमुख रहे छे लेकिन अभी जे है से महामारी के सबसे महत्वपूर्ण कोनो निचोड़ है तो छे आध्यात्मिक कि व्हेन डेथ इज स्टेयरिंग इन द फेस यू आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट योर आफ्टर लाइफ मरला के बाद की ना मृत्यु के बाद की तो हम कुछ हफ्ता पहले फेसबुक मैसेंजर पर हमरा रास्ते आयल रहे तो वही पोस्ट में क्लेम कैले रहे या कोट कैले रामायण के पैसे से कोट कैले है तो लाइक प्रोफेसी यानी कि अई महामारी जैसे भर रहा है वो रामायण में वो जमाने में लिख के धा दल गेल प्रोफेसी कहे बाइबल में भी है ना कोनो धार्मिक ग्रंथ के वो लक्षण होइ छै अब जना बाइबल है तो बाइबल के लिखले है बाइबल विभिन्न कालावधि में विभिन्न लोग सब के हाथ से लिखाएल लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल है ना लेकिन एवरी टाइम समबडी रोट अ पैसेज और अ बुक ऑफ द बाइबल इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट होली फादर होली सन होली स्पिरिट गॉड इज वन बट थ्री पर्सन्स जो कहे ट्रिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है हिंदू सब ओकरे कहलक ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्रिश्चियन सब जरा कहे होली स्पिरिट ओकरा हिंदू सब कहे शिव अर्थात महादेव देवों के देव महादेव तो बाइबल वॉज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट जना महाभारत कहे है ना ब्रह्मा लिखले है कलम चलल है ककरो लेकिन लिख है ना आयल है ब्रह्मा से तो बाइबल जो है महादेव कहियो हिंदू सब कहती महादेव शिव शिव जी के तो बाइबल के ऑथर लेखक शिव जी अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट्सेल्फ
कि बाइबल वॉज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट से कहे कलम केकरो चलल हो तो की है जब ईश्वर है ना ईश्वर के त भूत वर्तमान भविष्य सबके ज्ञान रहे छे ते लागी है ना कहियो भविष्य में की होती से पहले ज्ञान हो रहे छे ते लागी है ना अइ महामारी के ज्ञान सब दिन से रहले ईश्वर के ते लागी अगर रामायण में अइ महामारी के बारे में लिखल छै तो ऊ कोनो अजीब बात नहीं भेले त अंततः अहाँ है ना रिस्क बहुत घटा सकै छी लॉकडाउन करियो सोशल डिस्टेंसिंग करियो दवाई लियो वैक्सीन पता लगे कुछ करियो तो रिस्क मिनिमाइज कर सकै छी कैल जा सकै छी लेकिन रिस्क जीरो करे के एक ही तरीका है वो की ईश्वर के आराधना से क्लेम कैल जहाँ जे जै रामायण के पैसे सब में महामारी के बारे में कहल गेल है तो निष्कर्ष वही निकले छी तो अइ महामारी के से कुछ अइ समस्या के समाधान कथी समाधान है ईश्वर के आराधना तो अइ बात के गंभीर बात है कि बाइबल में है ना बाइबल में जो 10 कमैंडमेंट्स कहे छै कि मनुष्य के मनुष्य मानव जाति के ई 10 को नियम पालन करे के चाहिए तो वही 10 कमैंडमेंट्स के प्रथम 4 कमैंडमेंट कथी है तो ईश्वर के आराधना कर घुमा फिरा के कहला कि लव गॉड ईश्वर के आराधना कर यानी कि है ना धरती पर मनुष्य जाति के मानव जाति के अच्छा से अच्छा जीवन यापन करे के लिए अच्छा से अच्छा समाज निर्माण करे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वह है कि ईश्वर के आराधना करक चाहिए ईश्वर के प्रति है ना ईश्वर के प्रार्थना करक चाहिए ईश्वर के आराधना करक चाहिए बाइबल में कहला लव गॉड विथ ऑल योर हार्ट ऑल योर सोल ऑल योर माइंड ऊ तो है ना ईश्वर के आराधना सब चीज़ के समाधान भले लेकिन अइ महामारी के रामायण के वही पैसेज में कहा गया है समाधान वह है कि ईश्वर के आराधना तो व्हेन पीपल आर फोर्स टू स्टे इन देयर होम्स विथ टाइम ऑन देयर हैंड्स इट्स लाइक अ सैबथ दैट लास्ट नॉट वन डे वन सैटरडे बट सेवरल वीक्स और सेवरल मंथ्स तो समय छै हाथ में है ना बहुत लोग सबके परिवार द्वारे समय बितबे के मौका मिल रहा है जे न मिली छली भागा भाग दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़ स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल तो समय मिल रहा है जेना अमेरिके में बाहर खाए के एहन फैशन भगल छली है लोग बाहरे बहुत खेलक लेकिन यह बात है कुछ दशक पहले अमेरिको में घर में लोग घर में कुकिंग करके खेलक अधिकांश व्हिच इज द हेल्दी ऑप्शन है ना परिवार के लोग जोरे खाना बना के जोरे जो खाते तो वैसे द फैमिली दैट इट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर कहे गहन बात है तो अब मौका मिलल से है ना लोग सबके परिवार के साथ समय बिताबे के तो लॉट ऑफ पीपल दे हैव स्टार्टेड बेकिंग ब्रेड एट इन देयर होम्स दे हैव स्टार्टेड टू कुक इन देयर होम्स तो एगो फोर्स्ड जो फ्रीजिंग वेल्थ है इकोनॉमिक लाइफ के तो वही के पॉजिटिव पक्ष सब भी है कि है ना लोग सबके स्लो डाउन करे के मौका मिला बहुत जगह प्रदूषण कम भगल है समाप्ति का भगल है बिहार से हिमालय पर्वत देखा लगल है काठमांडू से माउंट एवरेस्ट देखा लगल है तो रोग के महामारी के वायरस के जो बायोलॉजी छै तो छेबे करे एक आर्थिक और राजनीतिक जो चुनौती सब वाले वो सब छेबे करे लेकिन एक प्रमुख संदेश छै आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पीपल एवरीवेयर शुड रियलाइज कि है ना फोर्स्ड शटडाउन के एगो आध्यात्मिक पक्ष भी छै यू रियलाइज कि इसेंशियल चीज सब बहुत कम छे लाइफ में यू रियलाइज देयर सो मच दैट यू थॉट यू कैन डू विथआउट यू डोंट रियली मिस इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत घट गई है सो नो देयर्स अ वे टू लुक एट द ब्राइट साइड के पॉजिटिव पक्ष के बारे में भी सोचे के बहुत के मौका मिल सके छे देयर सो मच टू बी थैंकफुल फॉर There's so much gratitude that can be expressed.